अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप अपने अपने कामों में बिजी होंगे, आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरी इस चीज़ के ऊपर वीडियो है कि अगर आपने मानसून में अपने गार्डन में काम नहीं करेंगे तो आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। उसकी वजह से कुछ काम आप नहीं करेंगे, अपने कुछ प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपका प्लांट क्या होगा डैमेज। मैंने एक प्रिकॉशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, मगर ये वीडियो बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्लांट्स के अंदर और आपके यहाँ पर रोज़ बारिशें हो रही हैं, तीन 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 चार चार दिन लगातार आपके घर में बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, अपने प्लांट्स को जब बारिशें बंद हो जाए सबसे पहले करना फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, अगर आप केमिकली करना चाहते हैं तो आप केमिकली भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं, मतलब हल्दी को आप स्प्रे तो नहीं कर सकते, उसके सॉइल के अंदर डाल दीजिए, मिला दीजिए, तो ये हमारे क्या ऑर्गेनिक हो। और भी ऑर्गेनिक बाहर फर्टिलाइजर मिलते हैं, डाइकोडर्मा वगैरह, वो भी अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अभी सॉइल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये प्रिकॉशन ये होगा, केमिकल में यूज़ करना चाहते हैं तो केमिकल्स भी आप बाहर से जाके ला सकते हैं बाजार से। केमिकल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो आप वहीं से जहाँ से आप फंगीसाइड लें वहीं से पूछ लिए हमारे प्लांट के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, वही आप वहाँ से ले आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिनिमम 200 को तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको कॉस्ट भी बता देता हूँ उसकी अपने अंदाज से फ्रेंड्स। और आपको दूसरा काम ये ऐसा करना है कि आपकी सकुलेंट वगैरह वगैरह वैरायटी के प्लांट से कैक्टस वगैरह उनको रख देना है शेडी एरिया में, जो मतलब धूप में रहने प्लांट जैसे चंपा वगैरह हुए, कनीर हुए, इनको रख देना। आपके घर में कोई शेडी प्लेस हो तो वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप क्या करें, इनके जो गमला है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे ये मैं इस गमले को ले रहा हूँ, मेरा कुछ उग नहीं रहा फिलहाल तो इस टाइम, इस गमले को कर देना ऊपर तक फिल कर देना, अब बारिश आएगी तो पानी होगा ऊपर से फ्लो होकर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये काम कर सकते हैं, और क्या फिर आप जो मिट्टी नहीं भरना चाहते, आप कोकोपीट से, मतलब कोकोपीट से नहीं, फिलहाल तो बारिशों का मौसम चल रहा है तो आप उससे भर सकते हैं अपने प्लांट्स को, जिससे हम मल्चिंग वगैरह करते हैं उसको ऊपर तक भर दें, जिससे जो पानी होगा ऊपर का ऊपर निकल जाएगा। और ये चेक कर लें आपका ड्रेनेज सिस्टम सही है नहीं है आपका प्लांट का, और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा तो आपका प्लांट है तो उसकी वजह से भी हमारे प्लांट क्या सकते हैं डेड हो सकते हैं, मर भी सकते हैं उसकी वजह से हमारे प्लांट। तो आप ड्रेनेज भी से चेक कर लीजिए कि बरसात में पानी में हमारा यूटिलाइज होता रहे। मैंने कुछ प्लांट्स अपने, मैंने सोचा आपको ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे एक आध कल से मेरी बारिश हुई थी तो मेरे प्लांट्स कुछ पॉट्स में पानी भर गया था, मैंने उनको ऊपर से फेंक दिया। और आपका ज़्यादा ज़्यादा बारिश हो रही तो आप क्या करें, थोड़ी थोड़ी देर पर आके उस गमले को पूरा झुका दें, पानी फेंक जाए, फिर उसे खड़ा कर सकते हैं। क्या फिर आप अपने गमले को क्या कर सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए अपने गमले को क्या करें, कुछ टाइम ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो उसको टेढ़ा करके इस टाइप से रख दें, आप इस टाइप से टेढ़ा कर देंगे तो ये पानी यहीं का यहीं रहेगा ज़मीन पे, इसके गमले के अंदर नहीं जाएगा, इससे आपका प्लांट्स नहीं मरेगा। और फ्रेंड्स और जैसे आपकी कटिंग वगैरह है, क्या फिर इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी शेडी एरिया में रख दिए फिलहाल के लिए, या फिर आपने पॉली हाउस में रख सकते हैं, हमें जुगाड़ पॉली हाउस आपको बनाना सिखाई है, आप उसमें भी रख सकते हैं, या फिर आप बाहर से मंगवा के पॉली हाउस उसके अंदर प्लांट्स रखिए, उसमें काफ़ी हेल्दी रहेंगे आपके प्लांट्स, ये भी मेथड काफ़ी काफ़ी सूटेबल है। और फ्रेंड्स और जैसे आप बाहर से ला के प्लांट इस टाइम उगा सकते हैं, आपके जो प्लांट्स से काफ़ी अच्छे उगेंगे इस टाइम, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारी कटिंग्स भी जल्दी उग जाती हैं। बस हमें बस ये प्रिकॉशन लेना है फंगीसाइड और पेस्टसाइड का, मैं स्प्रे वीकली वीकली करते रहना, इससे क्या होगा हमारे प्लांट्स पर जल्दी पेस्ट वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ टिप्स थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कुछ डिस्कस करना चाहता था कि आपके प्लांट्स भी इसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। और इस टाइम पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ मत करिए, मैं उसको अवॉइड करवाता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हमारा फंगस बढ़ सकता है, फंगस के चांस बढ़ सकता है, क्योंकि वैसे ही इतना सॉइल के अंदर पानी लगेगा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो हमारा फंगस का चांस काफ़ी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तो उसका आप यूज़ कम ही करिए, मैं आपको यही सजेशन करता हूँ। और इस टाइम पर आप सॉलिड जैसे कुछ जैसे वर्मी कंपोस्ट सॉलिड वगैरह वाली है थोड़ी, मतलब बुरी बुरी सी होती है, वो आप डाल दीजिए इस टाइम पे फिलहाल में, तब बारिशें बंद हो जाए, दो चार दिन तक नहीं हो रही तो आप मतलब टाइम देख के डालिए कि किस टाइम हमें इतना प्लांट्स के अंदर डालिए, इस टाइप से आप डालिए तो आपका प्लांट्स खराब कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको आपको अपने अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे तो आपका प्लांट्स ख़राब नहीं होगा। जैसे जैसे मेरा कुछ प्लांट देखिए ओवरवाइटिंग की वजह से ख़राब हुआ, ये वाला प्लांट्स ओवरवाइटिंग की वजह से सदाबहार का प्लांट लग रहा था, ये ओवरवाइटिंग की वजह से ख़राब हो गया, एक दो प्लांट्स थे पता नहीं किस किस के प्लांट लग रहे थे, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स काफ़ी ख़राब हो गए मेरे।
और इस टाइम पर आप ज़्यादा ज़्यादा कटिंग लगाइए, ज़्यादा ज़्यादा कुछ लगाइए, कटिंग्स वगैरह बाहर से लिया है, तोड़ तोड़ के डंडी सब लगाइए, इस टाइम जल्दी उग जाती है। और मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा, बस मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ पॉली हाउस अपने, मतलब दूसरा स्टूल है मेरे पास, एक भंगार का एक स्टूल पड़ा है, उसको भी मैं कैसे यूज़ करूँ, उस पर प्लास्टिक लगा के उसके अंदर मैं कटिंग रख के देखूँगा कनेर की, क्योंकि शायद मुझसे बाहर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से मेरे बाहर कटिंग उतनी, शायद पॉली हाउस में हो जाए, तो मैं उसको टेस्ट करूँगा, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला है इस चीज़ का कि जो हमारे मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स हैं क्यों पीलो हो रहे हैं, मुझे कहीं कुछ सजेशन में देख रहा हूँ तो कुछ मतलब मुझे लग रहा है कि गर्मी की वजह से हो रहे हैं, फंगस की वजह, पता नहीं अभी सही मुझे मालूमात खुद नहीं पड़ पा रही कि मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स में क्या हो रहा है। और ग्रोथ तो मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट की काफ़ी हो रही है, मगर कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा है मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स में। मैं आपको अपने मॉर्निंग ग्लोरी की एक ही ग्रोथ दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना, देखिए कितना फैल रहा है, अंदर चले गया है बिल्कुल, पता नहीं कितने, एक अंकल से उनका फ्लैट है वहाँ अंदर जा रहा है, ये पूरा फैलते ही जा रहा है अंदर वाली साइड पे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं ऊपर इसको थोड़ी से बांधूंगा कि फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा ना फ्रेंड्स इस मारे। और फ्रेंड्स और मेरा, अगर मेरा जैसे ऑर्गेनिक जो मेरा हल्दी वाला है फंगीसाइड, अगर उससे काम चला तो मुझे भी बाहर से जाके केमिकल फंगीसाइड लेके ही आना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ, नेक्स्ट प्लांट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा। और मैं और मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी पर भी जाके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कल एक चीज़ की अपडेट दूंगा कि मेरी जो रेलवे क्रीपर है उस पर फ्लावर आना शुरू हो गए और उसकी प्रोपोगेशन करना बहुत आसान है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये बिल्कुल अचानक से हुआ है मुझको, एकदम से अचानक वाली, बहुत अचानक वाला अपडेट तो हुआ, मैं भी देखकर शॉक हो गया यार, क्या हो गया यार ये फ्रेंड्स। तो आपको दिखाऊंगा कल, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे अपने आप से ही, मैंने गमले पास में रखे थे कुछ ऐसे, दिखाऊंगा उस वाली वीडियो में बताऊँगा उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा।